जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी लोग के हैप्पी न्यू ईयर। संविधान तक के सभी सदस्यों की ओर से, संविधान तक के परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी लोग के नववर्ष की मंगल कामना करता हूं और आपके जीवन में सफलता अपार मिले। 2023 की ये साल खुशियों, शोहरत और सफलताओं से भर जाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं बता दें आपको साथ ही कि जो मेरा कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कुछ टेक्निकल इशू आ गया था मेरा चैनल पर, जिसके वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। और जो जो संविधान तक जो मैं नाम दिया हूँ, सबसे पहले जो कंटिन्यू एपिसोड लेकर आऊँगा, वो संविधान से संबंधित लेकर आएंगे, संविधान की संरचना से स्टार्ट करेंगे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के गुरु जो कौन कौन थे उनकी जानकारी आपको देकर के संवैधानिक मूल्यों को आपको समझाने का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी देश में संविधान लागू है, लेकिन जो संविधान पूर्ण प्रेम जो लागू आज भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि संविधान के प्रेम बल में ही लिखा है कि जस्टिस यानी न्याय के तौर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक भागीदारी जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। आज भी संपत्ति देखेंगे तो 3% लोगों के पास है, और शिक्षा देखेंगे तो हम समझते हैं 10% लोगों के पास है, और राजनीति देखेंगे तो हम समझते हैं कि 1% से कम लोग के पास है, जो अच्छे अच्छे पदों पर है, सांसद, विधायक, MLC बने हुए हैं, जो आम गरीब को नहीं मिल पाता है। तो ये सारी बातें मैं चर्चा करूंगा और आपको बतलाने का काम करेंगे। यानी जो संवैधानिक जो मेथड है, संवैधानिक जो बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, जनता जगाओ, संविधान बताओ, देश बढ़ाओ। इसमें जो जनता का अधिकार होता है, उसका मैं बजाबते एक हैंडबिल बनवा रहा हूँ। उस हैंडबिल में फंडामेंटल राइट होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगा, और उसकी विस्तार से जिक्र होगा। और लोगों को मैं एक संविधान के लिए जागरूक करूँगा कि आप संविधान को पढ़िए, कम से कम समझिए, कम से कम आज भी आपको संविधान का राज कह करके आप लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता है। वजह है कि आप मांग नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसा माँ नहीं होगी जो अपने बच्चा को बिना रोए दूध पिलाई होगी। तो कहना ये चाहते हैं कि आज देश में संविधान का राज है, लेकिन संविधानिक तरीके से आप अधिकार नहीं मांगेंगे, आप हक नहीं मांगेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। ये 100% सत्य है जो आपको साथ बीत रहा है। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी गरीबी कमा नहीं है, अशिक्षा कमा नहीं है, अंधविश्वास कमा नहीं है, आडंबर का मन नहीं है, पाखंडवाद का मन नहीं है। इसका वजह यह है कि संविधान को खास करके जो शिक्षा से 3000 वर्षों तक दूर लोग थे, उन लोग आज भी संविधानिक मूल्यों को नहीं समझ पाए हैं। हम समझते कि आज संविधानिक मूल्यों को उन लोगों को जरूर समझना चाहिए जिनको 3000 वर्षों तक शिक्षा से दूर रखा गया है। उन लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और उन लोग के वजह से ही संविधान का निर्माण किया गया, उन लोग के वजह से ही आरक्षण लाना पड़ गया। अगर आरक्षण नहीं लाता तो हम समझते हैं कि जो 3000 वर्षों से जिन्हें शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार मात्र 3000 वर्षों तक 3% के पास था। यहाँ तक कि स्त्री के पास भी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। ये बाबा साहेब भीमराव का देन है, भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आज स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करके भारत के महामहिम पदों पर राष्ट्रपति के रूप में बन करके आ रही हैं और प्रधानमंत्री तक बनी। तो ये बाबा साहेब का देन है। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज जो आरक्षण के विरोध करते हैं, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि आपको जब 3000 वर्षों तक आरक्षण मिला, तब कौन विरोध करता था, और मात्र आज़ादी के 75 साल बीते हैं तो आप आरक्षण के विरोध करते हैं, क्यों करते हैं, आप हमको बताने का काम कीजिए। तो हमारी मिशन है, मेरा चैनल का मिशन है कि मैं जहाँ भी कार्य करूँ,
करूँ, वहाँ पर संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक अधिकार को, संवैधानिक कर्तव्य को लोगों को बतलाने का काम करूँ और लोगों को जागरूक काम करूँ। इसी उद्देश्य से मैं चैनल शुरू किया हूँ। मेरा कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को टॉर्चर करूँ या किसी को क्या बोलता है पाठ पढ़ाऊँ। हमें एकमात्र अपनी पाठ है कि मैं वो पढ़ूँ जो सुनने के बाद हर कोई पढ़े, मैं वो पढ़ूँ जो सुनने के बाद हर कोई पढ़ना पसंद करे, उसका नाम है संविधान, उसका नाम है संविधान। तो इन्हें हम बतलाने का काम करेंगे अपने क्षेत्रों में, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होगा बतलाने का काम करेंगे। और इसी मंगल कामना के साथ है, आप सब लोग सुखी रहे, समृद्ध रहें, यशस्वी बने। 2023 की वर्ष है, आप सब लोग को मंगलमय बीते, इसकी एक कामना के साथ है मैं आप लोग को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और संविधान तक चैनल के सभी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जय मां भारती, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।